हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेवेंस। आई एम सुमित बंसल। सो इन द लास्ट लेक्चर्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन एन इंटरवल आई, एंड इन द लास्ट लेक्चर लेक्चर 29 वी हैव डिस्कस्ड द थ्योरम दैट एवरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आई इज कॉन्टिन्यूस ऑन आई, एंड कॉन्वर्स इज ट्रू इन द केस ऑफ आई इज क्लोज इंटरवल। ऑल राइट, सो लेट अस डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड कॉन्टिन्यूटी। सो we have taken a few examples. So what is problem? First, is the function fx x upon x plus 1 uniformly continuous on this interval, close interval 0 to 2? Justify your answer. All right, so we have to check whether the given function is uniform continuous or not. So obviously we have to check the definition, whether this example follows our definition or not, whether we can find a delta for any epsilon such that our condition holds. So apart from that, I have told you a result in the lecture 29 that if we have a function defined on close interval, if we have a function defined on close interval and it is continuous, then what will happen? Then we have seen a result. So this will imply that our function will be UC. So as you can see, this function will define on this interval. This function is not defined on x equals to minus 1, but that not included in our close interval. So this function is defined in this close interval. So we have a close interval, and this function is obviously differentiable on this interval, then it is continuous. So close है, continuous है, तो UC हो जाएगा। तो एक method तो ये इसका direct हो गया हमारे पास देखने का, ठीक है, कि ये हमारा UC हो गया। तो direct आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आपका कोई सिंगल करेक्ट टाइप के इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप जस्ट इस थ्योरम का रिजल्ट का यूज़ करके कर सकते हो। बट हम अगर इसका पूरा जस्टिफिकेशन देखना चाहें तो हम हमारे मेथड से चलेंगे। लेट एक्स कोमा वाई बी टू आर्बिट्री पॉइंट्स, कहाँ से लेते हैं हम? इंटरवल में से, पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 2। तो x और y दो पॉइंट हमने ले लिए क्लोज इंटरवल में, देन क्या होगा? ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमें दिखाना क्या है? फॉर एनी एप्साइलन देयर शुड एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो लिमिट के हमने कॉन्सेप्ट देखे, कॉन्टिन्यूटी के देखे, कि हर एप्साइलन के लिए हमें एक डेल्टा ढूंढना होता है। तो वो डेल्टा डिपेंड किस पर कर रहा है? एप्साइलन पर। तो वो वैल्यू क्या होगी वो हमें लास्ट में पता चलेगा, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जब हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो फॉर एनी एप्साइलन हमें एक डेल्टा मिलना चाहिए सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन डेल्टा। तो डिस्टेंस जो है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का, वो लेस देन किससे होना चाहिए? एप्साइलन से। तो हमें ये एप्साइलन यहाँ लेकर आना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है? वाई अपॉन वाई प्लस वन। ऑल राइट, सो यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, थोड़ा सा इसे सोल्व कर सकते हो। तो कुछ इसमें ऐसा नहीं है, जस्ट कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स के अंदर कॉन्सेप्ट आपने देखे ही थे ये। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से, मैं इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व कर देता हूँ। सो दिस विल बिकम, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स माइनस वाई मॉड्यूलस अपॉन एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन। ओके, यहाँ पर भी मोड लगा सकते हो, बट यहाँ पर देखो क्या है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन वन है और वाई जो है, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है और वाई भी है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो? दैट एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल होगा वन के, एंड वाई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल होगा वन के। ऑब्वियसली वन ऐड कर दिया दोनों साइड, तो कुछ इसमें ऐसा नहीं है, हमें चाहिए मल्टीप्लाई में। तो एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, ये भी ऑब्वियसली ग्रेटर देन वन होगा, और जब इसको अपॉन में करेंगे तो कहने का मतलब ये लेस देन हो जाएगा किससे? वन माइनस दिस इंटू वन। कैसे हो गया? यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि वन अपॉन में एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, दिस विल लेस देन इक्वल्स टू वन। इन इक्वेलिटी चेंज हो गई हमारी, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लेस देन इक्वल्स का साइन लगा दिया और ये आ गया। अब हमें पता है कि ये हमारा किससे लेस है? डेल्टा से। तो ये किससे लेस होगा? डेल्टा से। तो यहाँ पर इक्वल आ गया डेल्टा, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जो है वो लेस देन दिखा दिया आपने किससे?
डेल्टा से, क्योंकि ये क्या है स्ट्रिक्टली लेस देन है ना, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली लेस है ये किससे, डेल्टा से। तो ये आपका डेल्टा से लेस हो गया, दिखाना क्या था ये एप्साइलन से लेस है। तो आप चूज़ कर लो डेल्टा को इक्वल किसके, एप्साइलन के। ओके यहाँ पर चूज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन द वेरी बिगनिंग वी आर सेइंग दैट फॉर एनी एप्साइलन वी आर गेटिंग अ डेल्टा, सो दैट डेल्टा इज़ अवर एप्साइलन। ओके सो वी आर सेइंग दैट फॉर एनी एप्साइलन वी कैन फाइंड अ डेल्टा, सो वॉट इज दैट डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल्स टू द गिवन एप्साइलन, सो दिस विल वर्क, सो दिस इज लेस देन एप्साइलन, वेन एवर दिस इज लेस देन डेल्टा, सो वी आर डन, सो दिस विल इम्प्लाई एफ इज यू सी ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, कभी कभार आपने सुना होगा यू नॉर्मली हम बोल देते हैं कि फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो ये जो है बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। कोई कंप्लीट आपको जो है लैंग्वेज प्रॉपर यूज़ करनी चाहिए कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट ए पॉइंट इन दिस इंटरवल, कि किस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, और अगर हर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है तो पूरे इंटरवल पर हो जाएगा, तो किस डोमेन पर कॉन्टीन्यूस है ये आपको बताना चाहिए। इन अ सिमिलर वे अ फंक्शन इज यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस ऑन विच इंटरवल, दैट इंटरवल वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट दैट इंटरवल इन अ गिवन प्रॉब्लम और अ गिवन सोल्यूशन। सो वी शुड टॉक इन टर्म्स ऑफ इंटरवल एंड टर्म्स ऑफ पॉइंट्स वैन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टीन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी रिस्पेक्टिवली। ऑल राइट, सो दिस वॉज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके सो दिस इज प्रॉब्लम सेकेंड, सो लेट अस सी व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल। सो अगेन यू कैन सी दैट फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल एंड फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट इज अ पॉलिनोमियल, दैट इज अ डिफरेंशिएबल ऑलवेज एंड दैट विल बी कॉन्टिन्यूस ऑब्वियसली। सो क्लोज प्लस कॉन्टिन्यूस विल गिव यू यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, सो दिस फंक्शन विल बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑब्वियसली। एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रूव दैन अगेन लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सॉरी -2 to 2, टू आर्बिट्री पॉइंट वी हैव चूजन। सो फॉर एनी एप्साइलन, फॉर एनी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देयर वी एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, वो डेल्टा क्या होगा दैट वी विल सी लेटर ऑन, देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट क्या होगा, वेन एवर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन डेल्टा, वी शुड हैव डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई लेस देन डेल्टा लेस देन एप्साइलन। ऑलराइट, सो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू कैन राइट इट एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई यूजिंग वाई। ऑलराइट, सो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी से, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं मोड एक्स प्लस मोड वाई। ऑलराइट, हम यहाँ यूज़ क्या कर रहे हैं, मोडुलस एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मोडुलस एक्स प्लस मोडुलस वाई। ऑल राइट, सो ये एज इट इज़ है, इसको ये लिख दिया और यहाँ इक्वल जो है वो चेंज हो गया लेस देन इक्वल में। तो अब यहाँ पर क्या है, अब हमें चाहिए इसके लिए वैल्यू। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमें पता है लेस देन डेल्टा, सो यहाँ पर आ गया लेस देन डेल्टा, इसकी जगह पर क्या आएगा, हमें इसके लिए कोई ना कोई वैल्यू चाहिए कॉन्स्टेंट कि उससे ये लेस हो, अपर बाउंड हमें कोई मिल जाए। तो हमें यहाँ पर पता है कि जो x और y है वो इसमें बिलोंग करते हैं, यानी कि जो मॉड्यूलस x है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, और सिमिलरली आप कह सकते हो मॉड्यूलस y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि -2 से 2 जो है इसकी रेंज आ रही है, तो मॉड्यूलस मैंने लगा दिया ऑब्वियसली, ये सब आपको पता ही होगा बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए इसके लिए वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लेस देन 2 लिख सकते हैं, इसको लेस देन 2 लिख सकते हैं, तो 2 और 2 आपका यहाँ पर क्या हो गया 4। ठीक है, तो डेल्टा इंटू 4, हमें यहाँ पर क्या चाहिए एप्साइलन चाहिए, हमें इसके इक्वल में क्या चाहिए एप्साइलन, क्योंकि हमें क्या दिखाना है मॉड्यूलस एफ एक्स माइनस एफ वाई जो है वो लेस देन है किससे एप्साइलन से। तो जब आप इसको एप्साइलन के इक्वल रखते हो तो आपने क्या रखा 4 डेल्टा इक्वल्स टू एप्साइलन, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई एप्साइलन अपॉन 4। तो हम क्या कह रहे हैं कि फॉर एनी एप्साइलन हमारा जो डेल्टा होगा वो एप्साइलन बाई 4 होगा। तो जब कभी भी इस डेल्टा की वैल्यू एप्साइलन बाई 4 रखोगे, 4 से 4 कैंसिल, आपको एप्साइलन मिलेगा। सो दिस इज लेस देन एप्साइलन व्हेन एवर दिस इज लेस देन डेल्टा, एंड वी हैव प्रूव दिस फॉर एनी एप्साइलन वी आर गिविंग अ डेल्टा, वी आर सेइंग दैट अवर डेल्टा इज 1/4 ऑफ एप्साइलन गिवन एप्साइलन। ऑलराइट, सो यहाँ से आपका क्या हो गया दैट एफ इज यू सी ऑन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, तो दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया, क्लोज्ड प्लस कॉन्टीन्यूटी से यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी इंप्लाई हो जाएगी, और या फिर ये जस्टिफिकेशन आप हमेशा दे सकते हो। ठीक है, अब फर्दर इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है कि मोर ओवर एफ इज यू सी ऑन एवरी क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने क्या मेंशन किया है, स्ट्रिक्टली
फाइनाइट इंटरवल होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एवरी क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल के लिए भी ये क्या होगा, यूसी होगा, ये जो फंक्शन है। तो ये जो इंटरवल था ये देखो क्लोज है और फाइनाइटिक इंटरवल अपन को दे रखा है, ठीक है ना। ये फाइनाइट किस सेंस में है उसकी बात मैं अभी करता हूँ, ठीक है। उसकी बात हम इस सेंस में कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सेम तरीके से ही आप चल सकते हो, कुछ इसमें ऐसा अलग है नहीं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं साइड बाय साइड। हमें क्या प्रूफ करना है, अब अगेन ये जो फंक्शन है आपका क्या है, एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, और हर क्लोज और फाइनाइट इंटरवल के लिए प्रूफ करना है। सो लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कोई भी क्लोज एंड फाइनाइट इंटरवल, तो आप ले लो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्लोज है और फाइनाइट इंटरवल ए और बी कोई पॉइंट है, रियल नंबर है ये, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव करना है इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। अब आप अगर हमारी बेसिक रिजल्ट से जाओगे जो लास्ट लेक्चर में करा, तो देखो क्लोज इंटरवल है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा इसमें ऑब्वियसली, क्योंकि डिफरेंशियबल है, पॉलिनोमियल है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस तो होगा ही। बट हमारा जो वे है जस्टिफिकेशन देने का, वहाँ से अगर हम देखें कि एप्सिलॉन के लिए डेल्टा क्या मिलेगा, तो वो एक अच्छी टेक्निक हो सकती है, इसलिए मैं इसको करवाना चाहूँगा यहाँ पे। सो लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, सो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। वो डेल्टा क्या होगा हमें यही देखना है, यही चेक करना है, ये हमारा इसमें जो मेन मोटिव है वो है। सो सच दैट क्या हो जाए, ये डिस्टेंस जो है आपका लेस देन हो जाए किससे, एप्सिलॉन से। कब हो जाए, वेन एवर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन डेल्टा। ऑल राइट, सो दिस इज अगेन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एंड मोड्यूलस एक्स प्लस मोड्यूलस वाई। सेम चीज़ यहाँ तक चलेगी, बस जो डिफरेंस है वो इस अपर बाउंड में है कि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, ठीक है। वहाँ तो हमने 2 और 2 से उसको रिप्लेस कर दिया था क्योंकि हमारे पास वो वैल्यू उस तरीके से आ रही थी, बट अब हमें चूज़ करना है कि इन दोनों के लिए वैल्यू जो है वो क्या हो गई, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ से पता है कि x और y जो है वो दोनों इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, b हो सकती है। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो भी यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। इस इंटरवल में इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू हम ऑलवेज देख सकते हैं, ठीक है। b से ये लेस है, ठीक है ना, तो b से ये लेस है। और अगर आप इसको इस तरह से नहीं करना चाहते तो एक आप चूज़ कर सकते हो, चूज़ k इक्वल्स टू क्या, जो इन दोनों में मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ मॉड्यूलस x, मैक्सिमम ऑफ मॉड्यूलस y। क्लियरली आप देख सकते हो, क्लियरली जो k है वो क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये देखो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, मान लो मॉड्यूलस x और मॉड्यूलस y के अंदर दो एलिमेंट हमने इसमें लिए हैं, तो दोनों ही ऑब्वियसली b से लेस होंगे, ऑब्वियसली 2b तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। लेकिन थोड़ा और प्रिसाइसली आप अगर देखना चाहो तो मैंने k चूज़ कर लिया किस तरीके से, कि मैक्सिमम हो इन दोनों का। मान लो आपका मॉड्यूलस x जो है मॉड्यूलस y से लेस है, और हम क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है इन दोनों में वो के इक्वल है, तो मैक्सिमम कौन है, ये बड़ा है, इसको मैंने के मान लिया, तो ये भी के से लेस होगा और इक्वल होगा, और ये भी के से लेस स्ट्रिक्टली होगा, ऑब्वियसली ये तो लेस है, तो है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों ही के से लेस होंगे, दोनों ही के से लेस होंगे, और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप ये मान सकते हो कि ये इससे लेस है। अगर आप वाई को लेस लेके चलते हो तो कोई इशू नहीं है, एक्स जो है वो इक्वल के हो जाएगा और उसमें से जो वाई है वो स्ट्रिक्टली लेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये भी के से लेस, ये भी के से लेस, तो इसके प्लेस पर आप लिख सकते हो कि 2k से जो है ये वाली क्वांटिटी आपकी लेस होगी। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा 2k एप्सिलॉन 2k, और ये आपका लेस होना चाहिए था एप्सिलॉन से। तो कहने का मतलब 2 डेल्टा k को आपने इक्वल रखा है एप्सिलॉन के, तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या आ गई, एप्सिलॉन अपॉन 2k, ठीक है। तो फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन वी कैन गिव अ डेल्टा सच दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन अवर डेल्टा इज एप्सिलॉन अपॉन 2k। एंड व्हाट इज k, k इज मैक्सिमम ऑफ दिस मॉड्यूलस x एंड मॉड्यूलस y। हमें एक पॉजिटिव नंबर यहाँ पर चाहिए था, तो ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव नंबर हो गया, ठीक है। सो यहाँ से आपका इम्प्लाई हो गया दैट f इज uc ऑन एवरी क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल, क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो गया, क्लोज एंड फाइनाइट इंटरवल के लिए हमने प्रूफ कर दिया। आर्बिट्री ए बी क्लोज इंटरवल लेके चले थे तो वो हर क्लोज इंटरवल के लिए सेटिस्फाई होगा। इसी के अंदर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, इसी के अंदर आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इसी प्रॉब्लम नंबर सेकेंड के अंदर, प्रॉब्लम सेकेंड के अंदर आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप इसमें प्रूफ करेंगे कि जो फंक्शन है
फंक्शन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर हमने प्रूव करा, इसके लिए यूसी है। फिर हमने कहा कि ये क्लोज इंटरवल था तो इसको हमने जनरलाइज कर दिया किसी भी क्लोज इंटरवल के लिए, तो क्लोज और फाइनाइट इंटरवल के लिए भी हमारा यूसी हो गया। आपको बताना है कि अगर एक्स चूज करें आर में से चूज़ करें तो ये फंक्शन जो है आपका यूसी नहीं होगा, नॉट यूसी, प्रूव इट। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको खुद ट्राई करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पूरा, और तब तक आप ट्राई करें और नेक्स्ट लेक्चर में इसका सोल्यूशन देख लेना। इससे पहले आप ट्राई करें, हो जाएगा। नॉट यूसी आपको प्रूफ करना है पूरे आर के लिए। तो पूरे आर के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, हम इन दोनों के लिए अपर बाउंड ले पा रहे हैं इसके अंदर क्योंकि हमारा क्लोज इंटरवल है। लेकिन अब इसकी जगह पर आपको क्या मिल गया? आर मिल गया। तो इस आर के लिए एक्स और वाई की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अपर बाउंड आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ से ये यूसी नहीं होगा। और इसी आइडिया को आपको यूज़ करना है। अभी कुछ और एग्जांपल करेंगे आगे, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यूसी नहीं है, कैसे प्रूफ करते हैं हम। और ये देखो एक थर्ड प्रॉब्लम, और ये भी आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये थर्ड प्रॉब्लम भी एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल सा है। फंक्शन है एक्स की क्यूब, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस बताना है इस क्लोज इंटरवल के अंदर। ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल है, कॉन्टीन्यूस है, तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस होगा ही, है ना? ओके, अच्छा, इसी सेकंड प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा सा और अगर मैं आपको कन्फ्यूज करना चाहूँ तो एक चीज़ और इसमें हम देख सकते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर हमें देखना है इंटरवल क्लोज होना चाहिए और कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। फंक्शन तो आपका क्या है? कॉन्टीन्यूस है। हमारे रिजल्ट से हम देखते हैं कि कॉन्टीन्यूस प्लस क्लोजनेस जो है वो हमें क्या देती है? यूसी देती है ना? ये फंक्शन तो यूसी है नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? फंक्शन हमारा यूसी नहीं है। यूसी नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ फेल होगी, लेकिन कॉन्टीन्यूस तो ये होता ही है फंक्शन एक्स स्क्वेयर। तो कहने का मतलब इंटरवल हमारा क्लोज नहीं है, यानी कि जो आर है यहाँ से आपका एक और चीज़ निकल के आ रही है, आर इज़ नॉट क्लोज्ड। जब मैं क्लोज्ड कह रहा हूँ तो क्लोज से मेरा मतलब है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत रियल एनालिसिस पढ़ा है वो कहेगा कि आर तो जो है ओपन और क्लोज दोनों ही होता है, जैसा कि फाई है और आर है, ये ओपन और क्लोज होते हैं। हालांकि ये सब मैंने अभी डिस्कस नहीं करा है, बट वो ओपन एंड क्लोज होता है सेट के अंदर, है ना? ओपन सेट है ये, आर जो है एक ओपन सेट है, ओपन और क्लोज सेट है, बट इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल ये नहीं है आपका, है ना? क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी से हम नहीं लिखते हैं इन जनरल। सो कहने का मतलब आर आपका क्लोज इंटरवल नहीं है, वहाँ से वो भी हमारा प्रूफ हो जा रहा है। तो ये आपका एक एक्सरसाइज है। और नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम फोर, इसका सोल्यूशन देखते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम लेंगे अभी, एक लेक्चर और एग्जाम्पल्स का करेंगे हम, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अभी हमें इसमें क्या करना है? हमारा जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर फोर क्या कह रही है कि प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन वन अपॉन एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से अगर आपको इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो तो यह आपका बन जाएगा ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फाइनेट इज कॉन्टीन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस ऑन आर प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ से ज़रूरी नहीं है, हमने कहा था कि कॉन्टीन्यूस प्लस क्लोज इंटरवल जो है वो आपको यूसी देगा। अब यहाँ पर ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस है या नहीं है वो बात की बात है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस हो रहा है नहीं हो रहा वो बात की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इंटरवल क्लोज नहीं दिया तो यूसी नहीं होगा। अगर इंटरवल क्लोज नहीं है तो भी यूसी हो सकता है, ठीक है ना? नॉट नेसेसरी, हमने बोला है कि ऑलवेज ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो, क्लोज्ड है तब तो यूसी होगा ही होगा, लेकिन क्लोज नहीं है तब भी यूसी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ओपन इंटरवल देख के ऐसा नहीं है कि यूसी इसलिए नहीं हो रहा, और एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो आर प्लस इसने लिखा है, सो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो इज कॉन्टीन्यूस बताना है बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस ऑन आर प्लस। तो आर प्लस पे यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस नहीं है, आर प्लस बेसिकली क्या है? यही इंटरवल आपका। ठीक है, सो कॉन्टीन्यूटी आपको चेक करनी है, कॉन्टीन्यूटी फंक्शन की आपको चेक करनी है, एक्सरसाइज है। कॉन्टीन्यूटी और लिमिट हमने बहुत निकाल लिया है, मैं जो है इसका यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी आपको चेक करवाऊंगा। ठीक है, टू चेक यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी। तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए जो फंक्शन है आपका वो क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू साइन वन अपॉन एक्स। चेक क्या करना है? इसने बोल ही दिया कि यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो हमें प्रूफ करना है कि यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस नहीं है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट। तो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस जब नहीं होता तो हमें क्या करना होता है कि फॉर एनी डेल्टा हम ऐसे एक्स और वाई और एप्सिलॉन ढूंढ के देते हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी? जो हमने बताई थी यूसी नहीं होने के लिए ज़रूरी है। सो वी विल राइट फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू दिस इंटरवल और यू कैन से आर प्लस। ठीक है, कि इस इंटरवल में हमें मिलेंगे सच दैट क्या होना चाहिए? x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा, दिस विल इम्प्लाई f of x1 माइनस
एफ ऑफ एक्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, या फिर आप लिख सकते हो नॉट लेस देन एप्सिलॉन। सो इसका मतलब क्या है, व्हेन एवर डिस्टेंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू इज लेस देन डेल्टा देन दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो ऐसे एक्स वन और एक्स टू हम चूज़ क्या करें, तो देखो एक्स वन जो है वो आप चूज़ कर सकते हो एम पाई प्लस पाई बाई टू। एंड पूरा बताऊंगा कि हम ये क्यों चूज़ कर रहे हैं, कुछ और चूज़ करेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा, और यही क्यों चूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्लियरली यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि x1 और x2 आपके दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं इस इंटरवल में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि m जो है वो क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, ये सब के सब पॉजिटिव होगा, वन अपॉन में कुछ पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो हम शुरू करते हैं हमारा प्रूफ, प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ कहाँ से शुरू होगा, ये मैंने आपको बताया है कि हमें करना क्या है, ठीक है। ये हमारा एम है, ये हमारा एम है। सो x1 x2 हमें चाहिए था, तो x1 x2 मैं कह रहा हूँ इस टाइप से लो, क्यों लो उसका रीज़न अभी बताऊँगा। सो फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r प्लस सच दैट, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, सो लेट मी क्रिएट सम एक्स्ट्रा स्पेस। सो फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट x1 x2, ये हमारे x1 x2 है, सच दैट क्या होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए। उससे पहले एक कंडीशन और, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, यहीं से इजी हो जाएगा थोड़ा हमारे पास, ठीक है, जो हमें एप्सिलॉन लेके आना है। सो फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होगा, एक हमें m मिलेगा देयर एग्जिस्ट, ये जो m पॉजिटिव की मैं बात कर रहा था, ये नेचुरल नंबर मैंने यहाँ से लिया है कि देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से क्या होगा कि 2 अपॉन में n लेस हो जाएगा किससे, डेल्टा से, और यहाँ पर हमें चाहिए m पाई प्लस पाई बाई टू चाहिए, तो हम यहाँ पर n पाई ले लेंगे, है ना, ये ठीक हो जाएगा। सो n पाई प्लस पाई बाई टू जो है लेस देन डेल्टा हमारा हो जाएगा जब कभी भी n ग्रेटर देन होगा m से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी है, फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एक ऐसा m मिलेगा कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन m जो है ये क्वांटिटी हमेशा लेस होगी किससे, डेल्टा से। अब यही क्वांटिटी मैंने लेस डेल्टा से क्यों लिया, उसका रीज़न है, देखो दो चीज़ें हमें क्लियर करनी है, पहला तो x1 x2 हमने ये क्यों चूज़ करे, और सेकेंड जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ इसी को क्यों लेस लिया, वन अपॉन एन भी तो लेस देन डेल्टा ले सकते थे एम के लिए, है ना, बट हमने यही क्यों लिया। तो सबसे पहले मैं इसका रीज़न बताता हूँ, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अंदर मैंने ये चीज़ क्यों लिखी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, फॉर एनी डेल्टा हमें क्या मिल रहे हैं, दो एक्स वन एक्स टू मिल रहे हैं, सच दैट क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जो है वो लेस देन डेल्टा, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, कब होना चाहिए, वेन एवर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में मैंने यही क्यों यूज़ करा, उसका रीज़न देखो, x आपके पास क्या है, x हमने क्या लिया है m पाई प्लस पाई बाई टू, माइनस में y हमने क्या लिया है वन अपॉन में m पाई, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा m पाई प्लस पाई बाई टू इंटू में m पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो m पाई माइनस m पाई प्लस पाई बाई टू। सो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कहने का मतलब मॉड्यूलस में ही है ये, पॉजिटिव क्वांटिटी है ऑल दो, मॉड्यूलस की भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर आपके पास ये क्या आ गया, वन अपॉन टू एम एम पाई प्लस पाई बाई टू, ये आपको क्या चाहिए, लेस देन डेल्टा, वेन एवर दिस इज लेस देन डेल्टा वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, है ना, नोट यूसी के लिए यही चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, ये हम लेके चल रहे हैं लेस देन डेल्टा, ये लेके चल रहे हैं, इसलिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लिखा वन अपॉन टू एन एन पाई प्लस पाई बाई टू, कि एन कभी भी एम से बड़ा है उसके इक्वल हो तो ये क्वांटिटी लेस देन डेल्टा होनी चाहिए, तो इसी के लिए ये हमें हेल्प करेगा ये प्रूफ करने में। सेकंड, एक्स वन और एक्स टू को यही क्यों चूज़ करा, ये मेरा एक्स वन ये मेरा एक्स टू यही क्यों चूज़ करा मैंने, उसका रीज़न भी बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, साइन वन अपॉन एक्स के। एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, साइन वन अपॉन वाई के, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर, कि इन दोनों को जब मैं सोल्व करूँ तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाए, एप्सिलॉन आ जाए। तो वो कैसे आएगा, तो सबसे पहले यहाँ देखो वन अपॉन एक्स है, तो एक्स की कोई भी वैल्यू रखूँ तो वो ऊपर आनी चाहिए, जैसे मान लो हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री, ठीक है, और फंक्शन आपका क्या है, साइन वन अपॉन एक्स, तो एक्स आप क्या लेके चलोगे,
वन अपॉन 90 लेके चलोगे ताकि x के प्लेस पर 1 अपॉन 90 लिखो तो वो 90 ऊपर चला जाए। तो सबसे पहले 1 अपॉन में लिखने का तो रीज़न यही है, 1 अपॉन x था तो मैंने इसको 1 अपॉन एम पाई लिखा, ताकि जब 1 अपॉन x की वैल्यू हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एम पाई प्लस पाई बाई टू। समझ रहे हो ये चीज़, x मेरा क्या है, 1 अपॉन में समथिंग है, तो 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। सो माइनस में साइन, सो 1 अपॉन y, तो y की वैल्यू क्या है, एम पाई। तो फर्स्ट रीज़न तो हमारा ये है कि 1 अपॉन में हमने क्यों लिखा, फिर अंदर ये चीज़ हमने क्यों लिखी। देखो पाई के साथ साइन जब भी आएगा तो वैल्यू हमारी क्या होती है ये हमें पता है, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा क्या चलेगी आपकी, ज़ीरो चलेगी। और ये क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है आपके पास, ठीक है, मॉड्यूलस हमारे पास चल रहा है। सो मॉड्यूलस में आपका ये हो गया कोस एम पाई, तो कोस एम, अब एम क्या है, एम कोई नेचुरल नंबर है, एम क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। सो 1 2 3 4 यानी कि -1 +1 -1 +1 कोस की वैल्यू चलेगी, तो ये वैल्यू क्या हो गई, -1 की पावर m लगा सकते हो आप, ठीक है। और मोड है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और 1 जो है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन किससे होगा, एप्साइलन से। एप्साइलन आप कुछ भी चूज़ कर लो यहाँ पे, अब अपने हिसाब से एप्साइलन इक्वल्स टू 1/2, यही तो था ना, हमने यहाँ पर क्या बताया था कि डेल्टा के लिए हमें x1 x2 चाहिए और एक एप्साइलन चाहिए, तो वो एप्साइलन हमने क्या दे दिया, 1/2, और x1 x2 जो हमने चूज़ करे थे वो काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 1/2 से हमेशा ये वैल्यू बढ़ी आ रही है। अब एक बार और पूरा देख लो दोबारा कि हमने कैसे कैसे क्या चूज़ करा है, हमें दिखाना था कि फंक्शन यूसी नहीं है, यूसी नहीं है तो एक x1 चाहिए, एक x2 चाहिए और एक एप्साइलन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, फॉर एनी डेल्टा x1 x2 एग्जिस्ट करेंगे r प्लस में सच दैट, क्या होने चाहिए, तो x1 x2 मैंने चूज़ करे 1 अपॉन एम पाई प्लस पाई बाई टू और 1 अपॉन एम पाई। 1 अपॉन में दोनों को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो फंक्शन है वो आपका क्या है, साइन 1 अपॉन x की टर्म में है, तो इस x को ऊपर ले जाने के लिए मैंने ये 1 अपॉन में समथिंग 1 अपॉन में समथिंग लिखा। एम पाई मैंने क्यों लिया, क्योंकि साइन जो है वो जीरो हो जाएगा। एम पाई प्लस पाई बाई टू क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये कोस बनाना है, और जब कोस बन जाएगा तब 1 आ जाएगा, और 1 ऑब्वियसली एप्सिलॉन से बड़ा होता है, ठीक है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में ये क्यों यूज़ करा, वो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि हमें एक्स और वाई का डिस्टेंस जब कभी डेल्टा से लेस हो तो उसके लिए प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर है, ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गई एप्सिलॉन जब कभी भी ये लेस देन होता है डेल्टा से, तो एप्सिलॉन आपका ये वर्क करेगा, x1 x2 जो आपने ये चूज़ करे थे ये आपके काम कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूफ आपका कंप्लीट है कि फंक्शन आपका यूसी नहीं होगा, तो आपने x1 x2 यहाँ पर फाइंड कर लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फंक्शन जिस टाइप से है उस टाइप से। तो ये मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज दी है यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर, कि fx इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल, सेम इंटरवल है, तो एक्स और वाई आपको क्या यूज़ करने हैं, ये आपको यूज़ करने हैं, ठीक है, जो हो यस। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन में एक्स नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको 1 अपॉन में समथिंग नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर रूट लगा दिया, कि जब यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये पुट करोगे तो स्क्वायर करोगे तो साइन एन पाई बाई टू और साइन एन प्लस 1 पाई बाई टू। अब एक जगह प्लस पाई बाई टू करने का रीज़न है कि ये कोस में चेंज हो जाए, ताकि कोस वाला जीरो बन जाए और साइन की वैल्यू -1 की पावर समथिंग आ जाए। तो ये भी आपको सेम इसी तरह से यहाँ पर पहुँच जाओगे, बस यहाँ पर साइन एन पाई बाई टू आ जाएगा और यहाँ पर आपका 1 रहेगा, ठीक है। तो इसको भी करना नेक्स्ट लेक्चर में, ऑब्वियसली सोल्यूशन तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो यूसी नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो काफ़ी एग्जाम्पल हमारे हो गए, एक लास्ट है फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो गया वीडियो। सो शो दैट साइन एक्स इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही बात आ गई हमारी जो मैं बताना चाहता था, कि ये देखो फंक्शन जो है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, ये कह रहा है कि ये यूसी होगा। तो यूसी कब होता है, जब कॉन्टिन्यूस प्लस क्लोज्ड हमारा होता है, ये चीज़ इंप्लाई करती है। तो कॉन्टिन्यूस तो फंक्शन है, बट ये जो इंटरवल है ये आपका क्लोज्ड नहीं है और फिर भी ये यूसी हो रहा है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी प्लस ओपन इंटरवल या सेमी ओपन सेमी क्लोज आपको यूसी नहीं देगा, हो भी सकता है। हम तो ये नेसेसरी बता रहे हैं कि अगर क्लोज है तब यूसी जरूर होगा, कॉन्वर्स पार्ट का कुछ हम इसमें ऐसा नहीं कर रहे। अगर ये इफ एंड ओनली रिजल्ट होता तब हम कह सकते थे कुछ, है ना, सॉरी इफ एंड ओनली तो है ही है कि यूसी है तो कॉन्टिन्यूस होगा, बट यूसी है तो क्लोज होना ये ज़रूरी नहीं है, है ना। तो ये चीज़ हम नहीं कह रहे, ओपन के लिए भी जैसे सेमी ओपन सेमी क्लोज के लिए भी ये यूसी हमारा हो रहा है। तो जस्ट थोड़ा सा रिजल्ट को ध्यान देना है हमें कि क्या हम यूज़ कर रहे हैं। तो जस्टिफिकेशन इसका क्या होगा, यूनिफॉर्मली प्रूफ करना है, तो यूनिफॉर्मली प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, फॉर एनी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देयर शुड एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, वो डेल्टा क्या होगा वो हमें ढूंढना है, सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, एप्साइलन होना चाहिए।
कब होना चाहिए? वेन एवर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। और एक्स वन एक्स टू आपके कहाँ होते हैं, सॉरी एक्स और वाई आपके कहाँ होंगे, क्लोज इंटरवल में जो हमें दिया है, इंटरवल क्या है, क्लोज जीरो ओपन यहाँ पर इनफाइनिटी, ठीक है। तो ये आपका है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक्स और वाई पर तो डिपेंड करता ही नहीं डेल्टा हमारा, जस्ट एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। सो एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का मॉड्यूलस, जस्ट थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स यूज़ करना है 10th 11th का। साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, 2 sin x - y/2 इंटू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू, ठीक है। और ये आपका इक्वल हो गया 2 sin x - y/2 cos x + y/2, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया, अब थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लेस देन इक्वल का साइन मैंने लगा दिया। क्यों लगा दिया, बहुत ही प्यारा सा रीज़न है, हर बार हम यूज़ करते हैं इसको, कुछ इसमें ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा बताने वाला। हमें पता है कि जो साइन थीटा है, मॉड्यूलस साइन थीटा, वो लेस देन इक्वल होता है थीटा के। इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं हम इससे, साइन जीरो की वैल्यू जीरो के नियरली इक्वल हम लेते हैं, कोस जीरो की वैल्यू नियरली इक्वल होती है वन के, मॉड्यूलस ऑफ कोस थीटा जो है वो लेस देन इक्वल होता है वन के फॉर ऑल थीटा, ये हमें पता है, ठीक है। तो इस फैक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, इसको थीटा के लेस लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जस्ट आप लिख सकते हो कोस एक्स प्लस वाई अपॉन टू जो है वो लेस होगा किससे, वन से। ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा सा आगे जब सीरीज़ में जाएंगे ना, मैक्लॉरिन सीरीज़, टेलर सीरीज़, उसमें भी आपको थोड़ा पता चलेगा कि ये दोनों चीज़ें हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, कैसे अप्रोक्सीमेट कर पा रहे हैं किसी पॉलिनोमियल को, किसी फंक्शन को, किस तरीके से, है ना। ऑल राइट, सो ये जो है आपका लेस देन इक्वल हो गया वन से, तो इसलिए यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू आ गया, है ना। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, और क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसकी वैल्यू भी तो है, साइन थीटा जो है वो किससे लेस हम कह रहे हैं, थीटा से। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस साइन को यहाँ से रिमूव कर सकते हो ना, यहीं पर इसी लाइन में कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, सो बस हो गया कंप्लीट, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू को लेस देन इक्वल लिखा एक्स माइनस वाई अपॉन टू से, ये लेस है वन से, टू से टू आपका कैंसिल हो सकता है। सो बच क्या गया, इक्वल में क्या रह गया, मॉड्यूलस एक्स माइनस वाई, और ये आपका किससे लेस था, डेल्टा से। सो ये आपका जो फंक्शन की वैल्यूज़ हमने देखी थी एक्स और वाई पे, उनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, हमें एप्सिलॉन चाहिए, तो डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल ही हो जाएगा, डन। तो फंक्शन क्या हो गया, इम्प्लाई क्या हो जाएगा, फंक्शन इज यूसी ऑन दिस इंटरवल, ठीक है, जीरो इंक्लूडेड है, आर प्लस नहीं है ये। सो दैट्स इट, कंप्लीट है ये, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। तो फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया। तो दो तीन एक्सरसाइज मैंने आपको दिए जिनका सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपको ज़रूर करना है इसी के तरीके से, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो ये ज़रूर आपसे होना चाहिए, ठीक है। एक्स वन एक्स टू मैंने आपको बता ही दिया, एक्स और वाई आपको क्या लेने, इससे बड़ी हिंट तो कुछ हो ही नहीं सकती। एप्सिलॉन आपका वही कुछ वर्क कर जाएगा सेम 1/2 टाइप में, है ना। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई, ये तो सबसे ईजी है, ठीक है, अभी हो जाना चाहिए, ये तो देखते ही एक सेकंड में। और एक आपकी प्रॉब्लम ये है कि आर पर बताना है, यूसी नहीं है, ठीक है। तो तीनों में मैंने आपको हिंट दे दी है, मेन क्वेश्चन आपकी फिफ्थ प्रॉब्लम है करने वाली, ठीक है। सो आई होप अब आपको यूसी प्रूफ करने में, यूसी प्रूफ नहीं करने में किसी में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने देख ली, यूसी प्रूफ कैसे करना है और यूसी डिसप्रूफ कैसे करना है। सो थैंक यू वेरी मच, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक सम मोर एग्जांपल ऑन दिस यूसी, आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। So thank you very much. If you like the video, then like this video, subscribe my channel, and see you in the next class. Thank you.